पांच ऐसे बेस्ट गेमिंग फोन्स बताता हूँ जिनके अंदर आप BGMI 90 से लेकर 120 FPS तक खेल पाओगे, और ये जितने भी फोन्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं ये सब आपको अंडर 25,000 में मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारी लिस्ट में नंबर 5th पे जो फोन है उसका नाम है पोको F4 5G। जी हाँ दोस्तों, ये वही अंडररेटेड फोन है जो कि सिर्फ लेजेंड्स ही जानते हैं कि कितना पावरफुल है ये फोन। स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर मिल जाता है इस फोन में हमें, जो कि 7nm पे बेस्ड है। BGMI स्मूथ प्लस 16 पे खेल पाओगे, इवन HDR एक्सट्रीम का भी ऑप्शन सपोर्टेड है। लैग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथली गेम खेल पाओगे, इवन कोई हीटिंग इशू भी नहीं है इस फोन में। साथ ही एक बड़ी फुल HD प्लस E4 AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। लेकिन भाई मेन हाईलाइट तो इसका MEMC वाला फीचर है। बेसिकली अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो आपके नॉर्मल वीडियोस को 60 FPS में कन्वर्ट कर देगा। बात करूं भाई बैटरी की तो 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है, लेकिन 67 वाट के टर्बो चार्जिंग के साथ आपका फोन कुछ ही मिनटों में जल्द से चार्ज हो जाएगा। बाकी अगर प्राइस की बात करें तो Amazon पे इसका 512 GB वाला वेरियंट आपको 19,000 रुपए में मिल जाएगा। अब नंबर 4th पे जो फोन है उसका नाम है IQ Z9S Pro, जिसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर लगा है, जिसका एंतुतु स्कोर 8 लाख से भी ज्यादा है। साथ ही एक बड़ी 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ विद 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस। बाकी BGMI इसमें आप स्मूथ HDR एक्सट्रीम पे खेल पाओगे, अल्ट्रा HD का ऑप्शन भी अनलॉक है। सो गेम तो एनीवे स्मूथ चलेगा, इवन अगर आप इसे रिकॉर्ड करके भी खेलते हो फिर भी यहाँ पे FPS का आपको ड्रॉप देखने नहीं मिलेगा। अब देखो प्रोसेसर तो इसका काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग है, अब इन फ्यूचर अपडेट्स के चलते हुए 90 FPS का ऑप्शन भी अनलॉक हो जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि प्रोसेसर तो काफी स्ट्रॉन्ग है, हैंडल कर पाएगा 90 FPS को आराम से। और देखो गेमिंग करते वक्त हीटिंग का तो कोई चांस नहीं है, बिकॉज इस फोन में आपको वेपर कूलिंग चेंबर मिल जाता है जो कि गेमिंग करते वक्त आपकी हीट को कंट्रोल करके रखेगा और आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। बाकी एक बड़ी बैटरी भी मिल जाती है 5500 mAh की 80 वॉट वायर चार्जिंग के साथ। और देखो प्राइस की बात करें ना तो 25,000 रुपए में इट्स प्रीटी गोल्ड, बाकी आपको 2,000 का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाता है इसमें। और सबसे मेन बात बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो उसे चेकआउट करना मत भूलना। अब नंबर 3rd पे जो फोन है ना वो पिछले वाले से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi 11T Pro 5G के बारे में। भाई 2 साल पहले लॉन्च हुआ था यार ये फोन, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर मिल जाता है, और अगर एंतुतु पे नजर मारे तो इसका स्कोर 9 लाख से ज्यादा है। बाकी BGMI तो देखो यार 60 FPS पे आप आराम से रन कर पाओगे इसमें। बाकी देखो मेरे हिसाब से तो नए वाले अपडेट में 90 FPS का ऑप्शन भी अनलॉक हो गया है। बाकी डिस्प्ले भी इसका काफी बड़ा है, फुल HD प्लस का AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ डॉल्बी विजन, HDR 10 जैसे सब कुछ फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। साथ ही 5000 mAh की बड़ी बैटरी भी मिल जाती है 120 वॉट की वायर चार्जिंग के साथ। अब इसे नंबर 3rd पे रखने का मेरा एक ही मोटिव था, क्योंकि पिछले दो फोन के कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ इसका कैमरा भी भाई काफी अच्छा है। मतलब बजट में आपके यहाँ पे ऑलराउंडर का पूरा एक पैकेज मिल जाता है इस फोन में, और आप देख सकते हो Amazon पे आपको 23,799 रुपए में मिल रहा है। सो इट्स ट्रूली अफोर्डेबल बिकॉज इट इज एन ऑलराउंडर 5G फोन। बाकी अगर बाय करना है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इसका। भाई बात करते हैं उन फोन के बारे में जिनमें आप हार्डकोर गेमिंग कर पाओगे, यानी दो ऐसे कमाल के फोन बता दो जिनमें आप 90 FPS तक गेमिंग कर सकते हो। ओके, अभी जो स्क्रीन पे आपको फोन दिख रहा है वो एक ऐसा लेजेंडरी फोन है जो कि 20,000 की प्राइस सेगमेंट पे पहला ऐसा फोन है जिसमें हमें MediaTek Dimensity 8100 की चिप देखने मिलती है। इसकी पावर का अंदाजा भाई आप इसके एंतुतु स्कोर से लगा सकते हो जो कि 8 लाख से भी ज्यादा है, और BGMI भाई इस फोन के अंदर आप आराम से स्मूथ प्लस 90 FPS पे रन कर सकते हो। अब देखो इस फोन का प्रोसेसर तो काफी पावरफुल है, साथ ही इस फोन की डिस्प्ले भी काफी तगड़ी है। 6.6 इंच की एक फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलती है जिसमें हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। 5080 mAh की बड़ी बैटरी भी मिल जाती है जिससे आप लंबे समय तक गेमिंग कर सकते हो। वैसे इस फोन की एक्चुअल प्राइस 21,000 रुपए, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये Amazon पे 28,000 रुपए मिल जाएगा। वैसे इस फोन की प्राइस हमेशा बदलती रहती है, तो जब भी आपको ये कम प्राइस में दिखे तभी आप इसे परचेस करना। साथ ही इन सभी फोन की बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो उसे चेक करना मत भूलना। अब हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे जो फोन है उसका नाम है Infinix GT20 Pro। G10 Pro तो आपको पता ही है दोस्तों कितना पावरफुल था, 20,000 में प्रोबेबली इट वॉज बेस्ट इन गेमिंग। उसका ही अपग्रेडेड वर्जन GT20 Pro आ चुका है MediaTek Dimensity 8200 अल्टीमेट प्रोसेसर के साथ। इसका एंतुतु स्कोर भाई 9 लाख से भी ज्यादा है। इसमें BGMI जैसी गेम्स तो आप आराम से स्मूथ प्लस 90 FPS पे खेल पाओगे, बट अगर यहाँ पे गेमिंग करते हो तो आपका फोन हीट करता है, तो यहाँ पर आप Infinix का ये साइबर मेका डिजाइन वाला मिनी कूलर यूज कर सकते हो, जिसे आपको पीछे लगाने के लिए एक स्टिकर मिलेगा जिसे फोन के बैक साइड में लगाना है और फिर कूलर को स्टिक कर दो, और देख सकते हो भाई आप कितना कूल लग रहा है ये। अब भाई इसे लगाकर गेमिंग करते वक्त आपका फोन बिल्कुल भी हीट नहीं करेगा, और भी बहुत सारे गेमिंग फीचर्स मिल जाते हैं लाइक फोन के पीछे ये RGB लाइट जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों Infinix यहाँ पर सिर्फ परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं देता, बाकी सब चीजें भी इसकी टॉप नॉच रहती है। जैसे यहाँ पर आपको एक फुल HD प्लस 144 हर्ट्ज वाली AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। कैमरा भी इसका काफी अच्छा है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल मैक्रो एंड फ्रंट साइड में 30 MP का सेल्फी कैमरा। साथ ही एक बड़ी 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। बाकी प्राइस भी इसकी काफी अच्छी है दोस्तों, Amazon पे आपको 25,000 रुपए में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में बताना इन पांचों में से आप कौन सा लेना पसंद करोगे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।